अधिकांश दुकानदारों की शिकायत होती है कि उन्होंने दुकान तो खोल ली, सही जगह खोल ली, फिर भी दुकान में ग्राहकों की कमी रहती है या ग्राहक आता तो है लेकिन बिना कुछ खरीदे चला जाता है। इस तरह की शिकायत अधिकतर लोगों की होती है। तो क्या आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं? चलिए हमारे साथ जानिए कि कैसे दुकान में बिक्री बढ़ाएं और एक व्यापारी को किन महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में पता होना चाहिए। लोगों से अच्छा संबंध बनाएं। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी शॉप पर गए हैं तो दुकानदार एक किनारे बैठा रहता है या उसके कर्मचारी आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं या नजरअंदाज कर रहे होते हैं। ऐसे में आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है कि इनको सामान बेचना भी है या चलो यहाँ लगता तो नहीं कि कोई रुचि ले रहा है सामान बेचने में, कहीं और चले जाते हैं। आप ऐसा बोलकर या सोचकर किसी और शॉप पर चले जाते हैं। बस इसी तरह आपके ग्राहक भी आपसे दूर हो जाते हैं। ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी ग्राहक दुकान पर आए तो आपको ग्राहक के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना है। ग्राहक को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सही सही जानकारी देनी है, साथ ही ग्राहकों के साथ सरलता से बात करते हुए उनके साथ अच्छे संबंध बनाने हैं जिससे वो अगली बार भी आपकी शॉप पर आए। कभी कभी कुछ सामान कम मार्जिन में भी बेचें। कई बार जब आप ग्राहकों को जानना शुरू कर देते हैं तो उनके साथ आपके संबंध मधुर हो जाते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कभी कुछ सामानों को कम मार्जिन में बेच दें जिससे आपसे संबंध मधुर बने रहें। नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी दुकान पर ऑफर रखें। आसपास के दुकानदारों का सम्मान करें और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जब भी आप कहीं दुकान खोलते हैं तो आपके आसपास आपके प्रतियोगी भी होते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि आप अपने प्रतियोगी के साथ दुर्व्यवहार करने लगें। लेकिन यदि आप सफल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका बिजनेस मार्केट में अलग पहचान बनाए तो आपको ग्राहकों के साथ अपने प्रतियोगियों का भी सम्मान करना होगा, उसके साथ आदर से व्यवहार करना होगा। ग्राहकों का स्वागत मुस्कुरा कर करें। जब भी ग्राहक दुकान पर आए आपको हर्षोल्लास के साथ दुकान के अंदर उनका स्वागत करना है। ग्राहक जब भी किसी प्रोडक्ट का रेट पूछे तो अच्छे से जवाब दीजिए। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप कहीं सामान लेने जाते हैं, ऐसे में जब भी आप दुकानदार से प्रोडक्ट के बारे में पूछते हैं तो दुकानदार उतरा हुआ मुंह बनाकर जवाब देता है या फिर इतना धीमे बोलता है कि कई बार लगता है जैसे वो इच्छुक नहीं है अपना प्रोडक्ट बेचने में और आप बस खाली हाथ निकल जाते हैं या फिर दोबारा जाने से कतराते हैं। तो आपको अपने बिजनेस में इस बात का खास ख्याल रखना है कि ग्राहक को आपकी दुकान में आने में अच्छा लगे, इसकी तैयारी करें। ग्राहक को खरीदारी के बाद कुछ वैरायटी की जानकारी दें। जब भी ग्राहक आपकी शॉप पर आकर शॉपिंग करता है तो बिल के टाइम पर आप उसे फाइनल रेट बताते हैं। ऐसे में समय देखते ही आप अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने लगें, जिसमें ऑफर हो वो बताने लगें। ऐसे में यदि ग्राहक आपको आपका ऑफर वाला प्रोडक्ट समझ में आ गया तो वो उसे भी खरीद सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।